आपने कई साइंस फिक्शन फिल्में देखी होंगी जिसमें दूसरी दुनिया के बारे में बताया जाता है। अवतार मूवी इनमें से काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें पेडोरा नाम के ग्रह के बारे में बताया गया है। अब यूं तो वो एक काल्पनिक दुनिया है और हकीकत में अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई ग्रह नहीं खोजा है जहाँ उन्हें जीवन मिला हो या फिर ऐसी कोई जगह के बारे में पता चला हो। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर ही एक ऐसी जगह मौजूद है जो किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव आदि एलियन से कम नहीं लगते हैं। हम बात कर रहे हैं सोकोत्रा द्वीप की। हिंद महासागर में मौजूद सोकोत्रा आइलैंड रिपब्लिक ऑफ यमन का हिस्सा है। ये आइलैंड इतना विचित्र है कि यहाँ आने वाले लोगों को यह दूसरी दुनिया का अनुभव कराता है। डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल यहाँ जाना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ अक्सर आतंकवादी हमले, धमाके और हिंसा होती रहती है। पर सोकोत्रा द्वीप की तस्वीरें देखकर ही आपको ये जगह बेहद विचित्र लगेगी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 700 प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव रहते हैं जो पूरी धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। इस द्वीप को अक्सर सबसे ज्यादा एलियन जैसी लगने वाली जगह मानते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है यहाँ पाए जाने वाला ड्रैगन्स ब्लड पेड़। आपने अब तक जितने भी पेड़ देखे होंगे उनकी पत्तियां डाल आदि ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर झुके रहते हैं, पर इस पेड़ की बात करें तो ये नीचे नहीं ऊपर की ओर घूमे रहते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये उल्टे किए हुए छाते हैं। पेड़ के तने से लाल पदार्थ निकलता है जो खून जैसा लगता है, इसी वजह से इसका विचित्र नाम भी पड़ा है। अगर आपको ये पेड़ उतना हैरान नहीं कर रहा है तो यहाँ कुकुम्बर ट्री या बोटल ट्री भी पाए जाते हैं। इनके तने बेहद मोटे होते हैं और इन्हें देखकर आपको लगेगा कि जैसे इनका ऊपरी हिस्सा बहुत बड़ा और चौड़ा होगा, ऐसा नहीं है। पेड़ का ऊपरी हिस्सा काफी मोटा और पतला है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में चमगादड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अलावा पूरे आइलैंड पर आसानी से नीले रंग की तितलियाँ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ के समुद्र में डॉल्फिन तैरती हुई नजर आ जाती हैं। इसके अलावा आइलैंड पर करीब 50,000 लोग रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।